नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि गाड़ी के अंदर आप कूलेंट किस तरह से घर के ऊपर ही कूलेंट डाल सकते हो और कूलेंट इसमें चेंज कर सकते हो। तो कहाँ से और किस तरह से मारुति की गाड़ियाँ आती है उनमें कूलेंट चेंज होता है। स्विफ्ट, बलेनो और इग्निस वगैरह जितने भी गाड़ियाँ आ रही है मारुति की, उसमें नॉर्मल तरीके से आप घर बैठे बैठे कूलेंट को चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आइए वीडियो को करते हैं हम शुरुआत। कभी कभी क्या है कि हम रास्ते में जाते हैं तो कूलेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। कभी कभी जल्दबाजी में निकलते हैं तो हम कूलेंट वगैरह नहीं डाल पाते, कंपनी वाले में नहीं डाल पाते, भूल जाते हैं किसी भी कारण से हो। तो उसके बारे में आप कूलेंट की डिब्बी रखिए और मार्केट में भी 100 रुपये की 200 रुपये की मिल जाती है, तो नॉर्मल तरीके से आप भर सकते हो। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आप कहाँ से कूलेंट को भर सकते हो उस गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले गाड़ी का जो आप बोनट ओपन करोगे, तो ओपन करते ही आपको इसको सबसे ये जो ग्रीन कलर का आता है ये डिब्बा, इसको यहाँ से खोल लीजिए। खुलने के बाद में ये खुल जाएगा यहाँ से, और नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे लो कलर, यहाँ से तो लो हो जाएगा बिल्कुल है कमज़ोर। और इस वक्त मेरी गाड़ी में फुल है, मतलब कूलेंट कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है। तो यहाँ से आप कर दीजिए। साथ ही इस कूलेंट को अगर आप निकालना है तो नीचे की तरफ, जैसे ये है इसके नीचे यहाँ पर एक पेच लगा हुआ है, ये डिब्बा है इसके नीचे पेच है, उसको खोल करके आप कूलेंट को निकाल लीजिए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर गाड़ी स्टार्ट है आपकी तो उस स्थिति में नहीं करना इसको चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है वो। तो गाड़ी अगर आपकी बंद है और मतलब जैसे कहीं से चल करके आए हो, तो कम से कम आधा घंटा या 30-40 मिनट तक गाड़ी को ऑफ रखें, उसके बाद में ठंडी होने पर कूलेंट को आप चेंज करें। अदरवाइज बहुत तेज़ गर्म होता है और आप जल भी सकते हो, तो वो आपकी रिस्क के ऊपर है। बड़ी सावधानी से आप उस चीज़ को खोल करके गाड़ी में कूलेंट चेंज करिए। साथ ही कूलेंट को आपको इसको आधा रखना है, यहाँ पर आधा भर दिया और आधे में फिर जो पानी आता है बैटरी का, जो स्विच में डलता है, बैटरी में शायद आजकल तो नहीं डलता, तो इन जो पानी आता है बिल्कुल वो पानी आप इसमें आधा डालिए, या फिर नॉर्मल पानी ये भी डाल सकते हो। तो आधा कूलेंट और आधा पानी डाल करके आप कूलेंट को यहाँ से घर बैठे बैठे कूलेंट चेंज कर सकते हो। या रास्ते में कभी परेशानी हो जाए तो वो चीज़ें आप कूलेंट को कर सकते हो। जैसे पूरी तरीके से दिखाना चाहूँगा ये पूरा इंजन, आप जैसे जैसे पास में जाओगे ये कूलेंट का ही फ़ैन है, ये कूलेंट का ये पूछ सिस्टम पूरा इतना बड़ा ये। तो यहाँ से आप कूलेंट को बदल सकते हो, इसको खोल लीजिएगा यहाँ से, ये खुल गया। फिर देखो कूलेंट का सिस्टम है, यहाँ से डाल लीजिए आप और यहाँ से आप कूलेंट को कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए यहाँ से। इसको तो खैर कभी खोलना नहीं है आपको, कोई काम की नहीं है, यहाँ से आप डाल सकते हो। उसके अलावा उसमें नीचे से यहाँ पेच है, वहाँ से खोल करके पुराने वाले कूलेंट को आप निकाल सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने ये छोटा सा वीडियो, बिल्कुल प्यारा सा, किस तरह से आप कूलेंट को घर पर ही कैसे चेंज कर सकते हो उसके लिए। ठीक है दोस्तों, कभी इमरजेंसी में हो जाए तो आप आराम से घर पर बैठे बैठे ये कूलेंट बदल सकते हो। धन्यवाद।